मैं इधर ही आया दवा चैनल। तो आज मैं अंडा खा रहा हूँ। मैंने अभी नहा लिया। सुबह सुबह मैं जब नाश्ता कर रहा था तब गंदा सा हुआ था, क्योंकि तब उठ के नाश्ता कर रहा था। अब मैंने नाश्ता कर लिया और क्या कहते हैं, मैं अभी गेम खेल रहा हूँ, आप लोग को दिखाता हूँ। मैं सीधा माइकल में शिफ्ट ही हूँ, अभी मैं हो गया माइकल में शिफ्ट। गाइस आपको थैंक यू जो आपने हमारे 1000 करा दिए। आपको अब 5000 का टारगेट है आपको वो करा है सब्सक्राइबर्स। और गाइस हमारी 107 वीडियोस हो गई हैं और आपको हमारे शॉर्ट्स बहुत पसंद आ रहे हैं। थैंक यू। आज मेरे साथ फ्रेश बीन काटो ताकि आपको भी पता चले। ये पहले मैंने धोई है, धो के मैंने इस छन्ने में रखी है ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। एक एक दाना पकड़ के ऐसे धोया। अब अफसा देखो माशाल्लाह मुझे इसकी ये आगे से दुमची और सिरा दोनों काट काट के दे रही है तो मैं काट रही हूँ इसे। आज अफसा ने मेरा बहुत साथ दिया है, इतने जल्दी मेरा ये काम हो गया, वरना मैं ये अकेले ही काटती हूँ। अब इंशाल्लाह इसको कीमे में डालेंगे। कीमा बना लिया आपने? कीमा में भून के, कीमे की भी रेसिपी बताई इन्हें। तो कीमा जो है ना भून लिया, बस कीमे में डलेगी और इंशाल्लाह खाना तैयार। ये जब बनेगा ना तो गाइस मैं आपको दिखाऊंगी अम्मी फ्राश बीन और कीमा बहुत मज़े का बनाती है। अक्सर घरों में जो है ना कीमा पकता है तो मेरे बच्चे कहते हैं कि अम्मी किसी के घर का कीमा नहीं खाया जाता, आपके कीमे में ज़रा सी भी स्मेल नहीं होती। तो कीमे का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि चाहे वो हाथ का कुटा हुआ हो या मशीन का हो, उसको धो के अच्छी तरह, तो उसे जो है ना उसको खुश कर लें, नुचड़ने के लिए रख लें, उसका खून वाला सब पानी निकल जाए, बिल्कुल खुश्क हो जाए। उसके बाद उसे ऑयल या घी जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसमें डालकर उसे भुने। और भुने में मैं ये इसको लगा के प्रेशर लगाना थोड़ी देर? नहीं नहीं, उसे भुने तो उसका वो बिल्कुल वाइट हो जाए, उसका कलर चेंज हो जाए। उसमें कुटा हुआ लहसुन और अदरक डालकर उसकी भुनाई करनी है। उसके बाद प्याज लाइट, हल्का सा लाइट प्याज जो किया हुआ है उसमें जो है ना कीमा डाल के गलने के लिए रख दें। ठीक है। नमक मिर्च हल्दी खड़ा गरम मसाला डालें साथ में। उसके बाद जो है ना उसे जब पानी खुश्क हो जाए तो उसमें टमाटर जो है ना डालकर भूनने के बाद जब उस घी छोड़ दे तो उसमें ये फ्रेश मीट डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसे जो है ना गलने के लिए छोड़ दें। 5 मिनट का प्रेशर लगाएंगे एंड में तो भून लें। भून कर तैयार है आपका ज़बरदस्त किस्म का। मैं ये बनेगा ना तो आज आपको लाजमी ये दिखाऊंगी, बहुत मज़े का बनता है। ये देखिए जी अम्मी ने कीमा भून लिया है। अब कब डालेंगे फ्राश बीन? बस अब मेरा घी छोड़ना आ जाए ना, मैं खुशबू देखने कितनी आ रही है। फ्राश बीन ये पड़ी है, बस अभी अब इसके मैं डालनी नहीं हूँ। कलर भी गलेगी कैसे, पानी डालेंगे और ब्रश लगाएंगे। आप भी डालो और मेरा बेटा।